नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इस न्यूज़ चैनल में। दुनिया भर में कोरोना वायरस का हाहाकार मचा है। दुनिया भर में 7 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हो चुके हैं, उसमें से 1 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं और 33,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया में यह आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया है। 102 लोग रिकवर हो गए हैं और 28 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन सबके बीच कल 1 अप्रैल 2020 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने जा रही है और इस नए वर्ष में 10 ऐसे नियमों में बदलाव हो रहे हैं जो आपकी रोज़मर्रा के जीवन पर असर कर सकते हैं। आपके रोज़मर्रा के जीवन पर इन नियमों का क्या असर होगा और आपकी ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोदी सरकार 10 बड़े नियमों में बदलाव कर रही है। इनमें बैंकों के विलय से लेकर GST रिटर्न के नियमों में होने वाला बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं कि नए वित्त वर्ष के आखिर क्या बदलने जा रहा है। बैंकों का विलय, 1 अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो आपको कुछ बदलावों की सूचना अपने बिलों किस्तों को काटने वाले बैंकों को देनी पड़ेगी। आयकर नियम, 1 अप्रैल 2020 से आयकर के नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में खास बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाना पड़ सकता है महंगा। जी हां, अगर आप नए साल में विदेश जाना चाहते हो तो आपको महंगा पड़ सकता है। 1 अप्रैल से सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत पर एकत्रित कर लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर 5% टैक्स चुकाना पड़ सकता है। नया GST रिटर्न फॉर्म, GST परिषद की 31वीं बैठक में 1 अप्रैल से नया GST रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ था। नया फॉर्म काफ़ी सरल होगा और रिटर्न भरने में आसानी होगी। नए वाहन नियम, 1 अप्रैल 2021 से नए वाहन नियम पूरे देश में लागू पड़ेंगे। 1 अप्रैल से देश में सिर्फ BS6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में 10 दिन तक करने की अनुमति दे दी है। दवाइयों से जुड़ा नया नियम, सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को 1 अप्रैल 2020 से ड्रग्स घोषित करने का फैसला किया है। नए वित्त वर्ष से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा। और नए साल में क्या बदलेगा, BS6 पेट्रोल डीजल, 1 अप्रैल 2020 से देश भर में BS6 ग्रेड के पेट्रोल डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआत कई शहरों से कर दी है। हालांकि कीमत पर इसका असर क्या होगा वो कह नहीं सकते। ज़्यादा मिलेगी पेंशन, सरकार ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत जो 26 दिसंबर 2008 से पहले रिटायर हुए करीब 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल 2020 से ज़्यादा पेंशन मिलेगी, मतलब आपकी आवक में वृद्धि होगी। नए साल में लोन के नियमों में भी बदलाव हो गए। नए बेंचमार्क पर मिलेंगे छोटे और मझोले कारोबारियों को लोन, इससे ब्याज दर में कमी आएगी। 1 अप्रैल से एक चीज़ महंगी होने वाली है जो हर किसी के जेब पर असर करेगी, वो है मोबाइल डेटा। दूरसंचार कंपनियों ने 1 अप्रैल से मोबाइल डेटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये पर GB की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर से करीब 7 से 8 गुना है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इंटरनेट का इस्तेमाल महंगा होगा और आपकी जेब पर खर्चा बढ़ेगा।